अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आलमुद्दीन इंजीनियरिंग वर्कर्स। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला तमाम दोस्तों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैनवर्ड और ब्लू स्टार में आने वाला एरर 15 किस चीज़ का है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, मेरे पास जो पीसीबी पड़ी हुई है वो कैनवर्ड की है और यही पीसीबी सेम ब्लू स्टार के भी कुछ मॉडलों में इस्तेमाल होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने पीसीबी को ऑन किया हुआ है और इसने ये 15 एरर शो कर दिया स्क्रीन पे, और जबकि कंडेंसर फैन आउटडोर का पंखा ऑन हो चुका है और इसने कंप्रेसर को ऑन नहीं किया। दोस्तों, ये एरर कंप्रेसर के साथ लगे ओवरलोड सेंसर का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको चेक कराने के लिए इस सेंसर को बाहर निकाला हुआ था। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये एरर 15 यानी कि 15 एरर आए तो आपने ओवरलोड सेंसर को बाहर निकाल के मीटर से चेक कर लेना। मीटर को डाइवर्ट रेंज यानी कि कंटिन्यूटी पे रख के चेक करना है। ये तकरीबन 1 ओम या 2 ओम का होता है। अगर ओपन शो करे तो इसका मतलब है आपका सेंसर ख़राब है। अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो फिर भी एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बोर्ड में कोई पार्ट इसके मतलब का पार्ट्स ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सेंसर को दोबारा लगा कर बोर्ड को रीस्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कंप्रेसर ऑन होता है नहीं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वर वक्त मिल सके। दोस्तों, ओवरलोड को वापस लगाने से हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और ये मोटर और ये कंप्रेसर। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।